डिस्प्रोजियम एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर तो बिल्कुल स्टेबल होता है, लेकिन जब इसको हाई टेम्परेचर्स पर एक्सपोज करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक सुपर हीरो बन जाता है। डिस्प्रोजियम की टेक्निकल डिटेल्स के साथ उसके यूजेस को आज हम समझेंगे, जाने दुनिया 10 मिनट में। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्प्रोजियम को 1886 में फ्रेंच केमिस्ट पॉल एमिल लेकोक ने डिस्कवर किया था। इसको अलग करना इतना मुश्किल था कि इसका नाम ही डिस्प्रोजियम रखा गया, जो ग्रीक वर्ड डिस्प्रोजिटोस से आता है, जिसका मतलब होता है हार्ड टू गेट। और सच में इसको अलग करना काफी चैलेंजिंग था उस टाइम। अब आइए जानते हैं डिस्प्रोजियम के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स। डिस्प्रोजियम का एटॉमिक नंबर है 66। पीरियोडिक टेबल पर इसका सिंबल है DY और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1407 डिग्री सेल्सियस। अब आइए जानते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्प्रोजियम। डिस्प्रोजियम का सबसे कॉमन यूज हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाने में होता है। ये मैग्नेट्स हाई टेम्परेचर्स पर अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते, इसलिए विंड टर्बाइन्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सिस्टम्स में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के टाइम में जब रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है, ये मैग्नेट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। डिस्प्रोजियम का एक और मेजर यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है। इसका यूज कंट्रोल रॉड्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करने में काफी इफेक्टिव होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। डिस्प्रोजियम का यूज मेटल हैलाइड लैंप्स में भी होता है। ये लैंप स्टेडियम्स और लार्ज स्पेसेस में ब्राइट लाइटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और डिस्प्रोजियम इन लैंप्स की लाइट इंटेंसिटी को इन्हांस करता है। डिस्प्रोजियम का यूज हार्ड डिस्क ड्राइव्स में भी किया जाता है। इससे वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, स्पेशली जब हाई टेम्परेचर्स को हैंडल करना हो, इसलिए आज के मॉडर्न टेक डिवाइसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नए डेवलपमेंट्स के साथ डिस्प्रोजियम का यूज इंफ्रारेड लेजर्स में भी होने लगा है, जो मिलिट्री और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। ये तो डिस्प्रोजियम की बात, पर और भी एलिमेंट्स है जिसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते ही हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हैं आपके लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।